हेलो दोस्तों, मैं हरकेश प्रजापति। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बिना किसी ऐप्स के व्हाट्सएप स्टेटस को कैसे डाउनलोड करते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल की घंटी को दबा देना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप ओपन करना है, तो चलिए व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको मेरे को डाउनलोड करना है। मान लीजिए जैसे इस स्टेटस को डाउनलोड करना है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता है, म्यूट बस दिखाई देता है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, जिस भी स्टेटस को डाउनलोड आप करना चाहते हो उसको पूरा चलाना है। तो चलिए हम लोग चला लेते हैं। ये देखिए, हम पूरा कंप्लीट देखना है, फिर बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है। इसके बाद यहाँ सेटिंग में जाना है, तो चलिए सेटिंग में हम लोग चलते हैं। ये देखिए, सेटिंग ओपन करना है। यहाँ देखिए, थोड़ा नीचे आने पर स्टोरेज, इस पर क्लिक करना है। स्टोरेज ये देखिए, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ देखिए, इंटरनल स्टोरेज, इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए, सबसे नीचे नीचे क्लिक करना है। तो इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, यहाँ व्हाट्सअप, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए, फिर इसके बाद मीडिया में जाना है। मीडिया के बाद यहाँ स्टेटस, सबसे ऊपर में स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, इस पर आ गया है। मान के चलिए, इसको गैलरी में सेव करना है, डाउनलोड करना है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ देखिए, कॉपी कॉपी करके यहाँ कहीं पर भी कॉपी कर देना है। चलिए देख लेते हैं हमारा गैलरी में कॉपी हुआ है कि नहीं। फीडबैक आ जाना है। गैलरी में जाते हैं, यहाँ गैलरी ओपन करते हैं। ये देखिए, हमारा गैलरी में बिल्कुल आसानी से सेव हो गया है। ये देखिए हम लोग, ये देखिए, इसी प्रकार से आप भी बिना किसी ऐप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस को बिल्कुल आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।